बेनीपट्टी अंचल के बसैठ पंचायत स्थित रानीपुर गांव में धौस नदी में एक बच्ची डूब गई, जिसकी पहचान वार्ड नंबर 9 के मोहम्मद जहीर की पुत्री इशरत प्रवीण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इशरत शनिवार के दोपहर करीब 4 बजे अपने कुछ साथियों के साथ धौस नदी में स्नान करने गई थी, जहां अचानक इशरत गहरे भाग में लुढ़क गई और नदी में डूब गई। स्नान करने गए अन्य बच्चों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण जुट गए और तैरने वाले ग्रामीण नदी में कूदकर बच्ची की खोजबीन करने लगे। फिलहाल अब तक इशरत कहीं नहीं मिली है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दे दी। बताया जा रहा है कि इशरत को खोजबीन के लिए SDRF की टीम को बुलाया जा सकता है। बहरहाल डूबे बच्चे की तलाश की जा रही थी। समाचार प्रसन्न तक बच्चे की कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी। क्या मामला हुआ है चाचा? इशरत नाम की लड़की थी, वो डूब गई इसमें। अच्छा, क्या करने के लिए आई थी? क्या किस लिए आई थी यहाँ पे? अब कैसे आई थी क्या बताए, मैं डूब गए, मतलब नहाने वहाने के लिए। हमने तो सो भी नहीं जाना, कैसे डूब गए? डूब गई मगर। अच्छा, 3 आदमी था। अच्छा। 2 आदमी को लोग बचाया, एक नहीं बच पाया, देखबे नहीं किया। अच्छा, कितना देर पहले का ये घटना है? यही 2 बजे। 2 बजे, हाँ। अच्छा, तो इसकी सूचना जो है सो सब प्रभारी को दे दिया गया, प्रशासन को मिल चुका है? सब टोटल प्रभारी अधिकारी सबको दे दिया गया। अच्छा, क्या नाम था उस बच्ची का जो? इशरत नाम था। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम? जहीर। घर कहाँ है? घर यही रानीपुर मथुरा। अच्छा, कौन सा थाना? बेनीपट्टी, जिला मधुबनी। कितना उम्र रहा होगा बच्ची का? 14 साल। नाम एक मरतबा फिर से बता दीजिए जो बच्ची डूबी है उसका। इशरत। अच्छा, इशरत परवीन। ठीक। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है? पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद यदि परेशान है तो 7% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।